तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑन टॉपर्स आंसर कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज वी कॉल इट। और बड़े टाइम बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि बीच में देखिए मेरे भी दो मेंस थे, यूपीएससी का मेंस हुआ, उसके बाद तुरंत स्टेट पीसीएस का भी, ठीक है, मतलब मजबूरी मजबूरी में दे ही दिया। कुछ भी स्टेट का जीके वीके मैंने आज तक भाई साहब कभी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ने लिखने का उतना शौकीन हूँ ही नहीं, राइट। तो ऐसे ही चलो, मजबूरी में दे दिया है, आगे देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। और आप सब लोगों भी पूछ रहे थे, कईयों ने व्हाट्सएप किया, कईयों का टेलीग्राम पे तो आते ही रहते हैं कि कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ ये, कैसा हुआ वो, कैसा हुआ। भाई सब बढ़िया हो गया, इस दुनिया में जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। मैं अब उस स्थिति में आ गया हूँ कि अब सब चीज़ें मतलब ठीक लगती है, जो भी चल रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, ठीक है यार, होना है, ठीक है, सो एक्सेप्ट इट। तो आगे बढ़ते हैं, हम बस ये अपने कर्म कर सकते हैं बस, है ना, एक जिंदा कर्म और क्रिया कर्म, राइट। दो ही कर्म है जो जीते हुए और मरने के बाद हमें नसीब होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। और आज हम इम्पोर्टेंटली एक मतलब उतने ज़्यादा ये उतने वेल नोन नहीं है, ठीक, क्योंकि कई ऐसे टॉपर्स होते हैं जिनके आंसर्स बहुत सही रहते हैं लेकिन वो उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है शायद, क्यों, क्योंकि उतने इंटरव्यू नहीं देते हैं वो, राइट, या फिर यूट्यूबरों से अच्छा कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो अयान जैन जी के मुझे अच्छे लगे, ठीक है, इनके आंसर मैंने अभी पढ़ा, एक दो आंसर इनके पहले पहले एक दो आंसर पढ़े, राइट, तो मुझे ये डिसेंट लगे और इनसे काफ़ी कुछ अच्छा सीखा जा सकता है कि हाउ टू अप्रोच द आंसर, हाउ टू ब्रेक द आंसर। तो अभी यही सीरीज, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कईयों ने ये इस पे, ठीक है, तीन चार दिन पहले भी किसी ने मैसेज किया था कि ये आपने स्टॉप क्यों कर दिया, शायद उन्हें मालूम नहीं था कि ये सिर्फ 2024 के लिए शुरू किया था, राइट। तो अब फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 24 का तो जो होना था वो हो गया है यार, ठीक है, रैंक रूंक सब डिसाइड हो चुकी है, ठीक, क्योंकि पेपर अभी जिसने मेंस अच्छे से किया है उसका रैंक आएगा, जिसने नहीं किया उसका नहीं आएगा अभी भी, ठीक है। तो लगभग सारा चीज़ अब डिसाइड हो चुका है, अब 2025 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर तक जो है मेंस पे ज़रा थोड़ा फोकस रखें, तो अभी ये शुरू ही करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया बट रैदर हु वुड नॉट। यार ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बारी मैंने कहीं पढ़ लिया, राइट, और आई थिंक ये यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर कहीं तो मैंने ये पढ़ा है, राइट, पहले भी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इससे ये तो डिसाइड नहीं हुआ कि इंडिया पे कौन रूल करेगा, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि इंडिया में कौन रूल नहीं करेगा। इसको बस एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, इसकी सिग्निफिकेंस है बेसिकली, राइट। तो पहला हाफ हम क्या लिखेंगे कि भैया इसने ये डिसाइड कर लिया, नहीं, इसने ये डिसाइड नहीं किया कि हु वुड रूल इंडिया। व्हाई व्हाई कि भैया जितना भी पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ, ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद बड़ी सारी ऐसी अभी भी पावर्स थी इंडिया में, बड़ी सारी पावर्स अभी भी थी, ठीक है, बंगाल अभी भी, ठीक है, थोड़ा सस्टेन कर ही रहा था, अभी फ्रेंच जो है उनका हारा जाना अच्छे से वो अभी बाकी था, वो भी अभी पावर इंडिया में मौजूद थी। बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ये एक पोटेंशियल थ्रेट था अंग्रेजों के लिए, एक कंटेस्टिंग पावर खुद ब्रिटिश पावर थी, ठीक है। तो ये इतनी सारी पावर्स अभी भी रिमेनिंग है इंडिया में, तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि इनमें से कौन इंडिया को रूल करेगा, बट कौन नहीं करेगा ये डिसाइड हो चुका था, समझ रहे हो। देखो मराठाओं की इसमें जो है हार हो चुकी थी, ठीक है, अब्दाली से, और एक्सपोज हो चुका था जो सिस्टम था इंडिया में स्पेशली। नंबर वन तो देखो मराठा रूल नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि फिर बाद में देखो मराठा का भी फिर से रिसर्जेंस हुआ, हम सभी लोग वो जानते हैं चंदा साई वगैरह का जो केस हुआ, वो बाद में उनका फिर से रिसर्जेंस हुआ, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये डिसाइड हो गया कि भैया मुगल की जो अथॉरिटी थी वो धाराशाही हो चुकी है, वो नहीं कर सकते इंडिया में रूल, बढ़िया पीटा इसने, ठीक है। एंड देन अभी जो आपका अवध है, अवध का नवाब भी कुछ नहीं कर पाया, समझ रहे हो, उसी के एरिया में ये फाइट हुई, और ठीक है उसी मतलब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यार सेम ही रहता है, यहाँ दिल्ली है, इधर अगर अवध चल रहा है तो यहाँ अगर पानीपत की लड़ाई इधर पीछे हो रही है, ठीक है, तो समझ रहे हो, तो एरिया का इन्फ्लुएंस वो रहता ही है, एक एक तरीके से इसे भी थ्रेट था, तो अगर ये पावरफुल रहता तो ये यहाँ इंटरवीन करता, समझ रहे हो, तो इनकी अथॉरिटी एकदम चैलेंज हो चुकी थी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अब देखते हैं इन्होंने कैसे इसे
अप्रोच किया कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिश अरे यार, अरे भाई, अरे मैंने इनके नीचे आंसर एक दो पढ़े थे। अरे भाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठाज एंड ब्रिटिश एम्पायर एंड प्लेड मेजर रोल। नहीं यार, ये अहमद शाह अब्दाली आया था, समझ रहे हो? तो अब्दाली और मराठा के बीच में ये 1761 के आसपास ये जो है ये आपकी जो लड़ाई थी लड़ी गई थी, राइट? सो ये तो इंट्रो इनका खराब हो गया भाई। डिड नॉट डिसाइड हु विल रूल, ये इन्होंने जो ब्रेक किया है आंसर को, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि इवन आफ्टर विक्ट्री द ब्रिटिश वर नॉट क्लियर रूलर्स ऑफ इंडिया। अदर यूरोपियन पावर्स एज डच एंड फ्रेंच रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। हाँ, वही इन्होंने लिखा, ओनली आफ्टर बैटल ऑफ बीदर, ठीक है, द बैटल ऑफ वांडीवॉश वर डच एंड फ्रेंच डिफीटेड एंड दस द विनर ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत वॉज नॉट पॉइज्ड टू द सोल रिमेन्स ऑफ पावर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने मतलब इस तरीके से इसे ब्रेक किया है बैटल ऑफ पानीपत के, हालांकि फिर ठीक है ये जान नहीं पाए कि एक्चुअल में कौन सी बैटल है। आई थिंक इन्होंने इसे वो क्या कहते हैं आपके जो जो प्लासी की लड़ाई है, इन्होंने प्लासी की लड़ाई से आई थिंक इन्होंने मिक्स करके कंफ्यूज कर दिया, समझ रहे हो? पानीपत का इन्होंने प्लासी बना दिया, मराठा इन्होंने वैसे ही खड़ा रख दिया, राइट? तो ये कुछ ऐसे हो गया, कंफ्यूजन हो गया इनको ज़रा। डिसाइडेड हु वुड नॉट रूल, अप्रोच वही है, देखो अप्रोच वही है, अप्रोच वही है इनके, द मराठाज फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट एंड कुड नेवर रिकवर, ठीक है, एंड देन मेजर इंडियन पावर रिमेन्ड द स्ट्रॉन्ग, यूरोपियंस वर मच स्ट्रॉन्गर, दस इट वॉज क्लियर दैट नो इंडियन पावर वुड रूल इंडिया, देर वॉज नो स्कोप। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि मैंने इतने पॉइंट लिखे हैं। एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं तभी कहता हूँ भाई यूपीएससी ये आपके नॉलेज का उतना गेम नहीं है। ये देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इन्हें मर्ज करके देखो भाई, ये सब एक ही पॉइंट है, ये बस ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है? अगर अलग अलग पॉइंट इसमें बताने हो तो भैया पहला पॉइंट बनेगा मुगल अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज था भाई, ये मुगल्स वर द रूलर्स ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज रूलर्स ऑफ इंडिया, इवन मराठाज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मुगल्स एज देयर रूलर्स, वो खुद को वसाल मानते थे, समझ रहे हो ना बात को? मुगल अथॉरिटी ओवर इंडिया मराठा भी रिकॉग्नाइज करते थे, उन्होंने उसे चैलेंज नहीं किया था कि मुगल विल नॉट बी द न्यू रूलर ऑफ इंडिया, समझ रहे हो ना बात को, इस बात को? तो मुगल सबसे पहले आउट हो गए इस गेम में, फिर मराठा वीक हुए, कुड नेवर रिकवर नहीं हुआ, वीक हुए, रिकवरी इनकी हुई इन्होंने बाद में, ठीक है, जो साउथ इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें बड़ा रोल उसमें बाद में भी प्ले किया चंदा साहिब वगैरह के नेतृत्व में, राइट? सो दिस वॉज द मेन रीजन, ये आपको बताना है। अवध का डाउनफॉल हुआ ऐसा कि फिर रिकवर ना हो पाया, मुगल का डाउनफॉल हुआ ऐसा कि फिर रिकवर ना हो पाया, मराठाओं को बड़ी चोट लगी, दीज वर थ्री की पॉइंट्स जो कि यहाँ पे आने थे आई थिंक, राइट? जो आई फील कि यहाँ आने थे। देखते हैं आगे, दस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड ये क्या है, एनश्योर दैट नो इंडियन पावर वुड रूल इंडिया, ठीक है, वही चीज़ उन्होंने फिर बाद में कंक्लूजन में लिख दिया, राइट? नेक्स्ट आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928 वॉज फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नथिंग मोर देन बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस। वाह, ये यहाँ बताना है भाई कि वो अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस क्या थे, ये बहुत ही एनालिटिकल और एकदम भयंकर टाइप का क्वेश्चन है, सही में बता रहा हूँ मैं। तो इंट्रो आप सीधा इसमें लिख सकते थे कि भैया नेहरू रिपोर्ट जो है वो क्या नाम उसका, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड, हाँ इन्होंने भी लिखा है बर्कनहेड, ठीक है, तो जो वो लॉर्ड बर्कनहेड के जो चैलेंज थे, उन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चैलेंज किया था कि इंडियन तुम बना के दिखाओ अपने लिए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो सभी के लिए इक्विटेबल हो या फिर सभी के द्वारा वेल रिकग्नाइज हो, बना के दिखाओ ऐसा। सो ही चैलेंज्ड अस, इन रिस्पॉन्स टू दैट चैलेंज मोतीलाल नेहरू के अंडर नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू कमेटी फॉर्म की गई और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट अपनी दी। सबसे पहले शो करना है कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली हेडिंग आनी चाहिए फर्स्ट एफर्ट, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना है हेडिंग, कहीं और से नहीं बनाना है, ये कॉपी करना है ताकि एग्जामिनर को शो करो कि भैया ये पार्ट हमने ये नहीं, आई डोंट थिंक कि ये अप्रोच सही है, इसमें लिमिटेशन यहाँ पूछा ही नहीं है। हेडिंग शुड बी डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ ये, ठीक है, जो AIR 1 वगैरह हैं उनके स्पेशली, ठीक है, जैसे श्रुति शर्मा मैम है ना, वो क्या नाम, वो
इस साल के जो AIR-1 है, मैं यार मैं नाम नाम नहीं याद रख पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इनकी अप्रोच ही यही थी, डायरेक्टली यहाँ से ये कॉपी करना है, फिर पहले बताना है कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, बताना है कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें आई। फॉर एग्जाम्पल भाई, इसमें 18 या 19, ठीक है, आई थिंक 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें सिटीजन्स को दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नंबर दो भैया, इसमें एक फेडरल पॉलिटी बनाने की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाने की बात की गई। नंबर तीन भैया, इसमें एक रूल ऑफ लॉ की बात की गई, जिसमें कि ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स है वो भी इंडिया में सिमिलरली वो ट्राई होने थे, समझ रहे। चौथा, इसमें देखो वुमेन के लिए भी इक्वल राइट्स की बात की गई थी, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है। ये एक लैंडमार्क इवेंट था कि 1928 में इंडिया ने उस इक्वल राइट, इक्वल वुमेन एडल्ट फ्रेंचाइजी को भी अपनाया, जो कि फ्रांस में 1948 में अपनाया गया, समझ रहे हो। दिस वॉज ए लैंडमार्क इवेंट कि भैया इंडिया जैसी कंट्री में, अभी जो यूरोप में भी नहीं हुआ था, वो हमने उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को उस टाइम पे हमने अपना लिया था, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई थी, स्पेशली एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर पॉलिटी ऑफ इंडिया वहां पे प्रिपेयर किया गया। फर्स्ट यू नीड टू प्रूव दिस। नेक्स्ट आता है कि इट वॉज नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ अन ईजी कॉम्प्रोमाइजेस। अब बताने हैं भैया ये कॉम्प्रोमाइज क्या थे। पहला कॉम्प्रोमाइज भैया, कॉम्प्रोमाइज विद मुस्लिम लीग। पहला कॉम्प्रोमाइज ये था कि मुस्लिम लीग के, ठीक है, उनके जो ठीक है आए, आए, उस टाइम पे जो वो लीडर थे, स्पेशली इट वाज नॉट मेनली मोहम्मद अली जिन्ना, बट इट वाज आई थिंक मोहम्मद शौकत अली या फिर कुछ ऐसा उसका नाम था, राइट, मैं नाम उसका भूल गया। तो उनके जो स्पेशली जो लीडर थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के, दे वर डिमांडिंग कि भैया ये जो फेडरल पॉलिटी है इसमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाए, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाए। तो पहला कॉम्प्रोमाइज़ उनको भैया यहीं पर करना पड़ा, है ना, कि हालांकि स्टेट्स को ज़्यादा इसमें पावर नहीं दी गई थी, लेकिन स्टेट की ऑटोनॉमी इसमें और ज़्यादा इनको फोकस करना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम लीग का इसमें चैलेंज था, राइट। सिमिलरली ऐसे ही कई डाइवर्जिंग ग्रुप्स और भी थे, जैसे जो हिंदू महासभा थी, ये मुस्लिम लीग के बिल्कुल उल्टा, ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की बात करती थी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की बात करती थी। तो इसमें भी हमें ये बात देखनी पड़ी, ठीक है। नंबर तीन, इसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था, रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को इसमें एक्सेप्ट किया गया था, राइट। जो जो वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट को इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स उसे, है ना, माइनॉरिटीज उसे इसमें एक्सेप्ट किया गया था। तो इट वॉज ऑल्सो एन अनईजी कॉम्प्रोमाइज, समझ रहे हो। और वो भी देखो, रिजर्वेशन होना इज गुड थिंग, बट रिजर्वेशन होना एक तरीके से, ठीक है, जो जो स्पेशली ये मेनली जो मुस्लिम लीग के प्रेशर में, ठीक, सेपरेट इलेक्टोरेट के इफेक्ट को, ठीक है, रिजेंबल करता हुआ रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पे लाया गया था, आई थिंक 1/3 या फिर इतना कुछ, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें रिजर्वेशन, काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया गया था कम्युनिटीज़ को, राइट। तो एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का ही उस इफेक्ट को रिजेंबल करता हुआ यहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया। इट वॉज ऑल्सो एन अनईजी कॉम्प्रोमाइज़। भैया एक चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट अनईजी कॉम्प्रोमाइज था इजी रिपोर्ट के अंदर, दैट अनईजी कॉम्प्रोमाइज वॉज, है ना, ये सबसे ऊपर आना चाहिए इनफैक्ट, वो था भैया पूर्ण स्वराज पे कॉम्प्रोमाइज। पूर्ण स्वराज पे इसमें कॉम्प्रोमाइज था, वाई, क्योंकि भैया इसने पूर्ण स्वराज नहीं डिमांड किया, इसने एक साल का अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे हैं, अभी तुमसे हम डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे हैं। पूर्ण स्वराज तो इन्होंने 1929 में मांगा, समझ रहे हो। सो इट वॉज ऑल्सो एन अनईजी कॉम्प्रोमाइज। सो दीज वर द अनईजी कॉम्प्रोमाइज जो यहाँ शो किए जा सकते थे। ये हेडिंग ठीक नहीं बैठी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन, डोमिनियन स्टेटस, वही वही इन्होंने भी यहाँ लिखा, डोमिनियन स्टेटस की जगह रादर देन, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा। डिसअपॉइंटेड मैनी यूथ लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, वही चीज़ इन्होंने, फिर डिड नॉट हैव अ डेफिनेट डार्क ऑफ द इंटरफेयरिंग पावर, मेजर पावर्स रिमेंड विद द ब्रिटिश, ठीक है, एंड देर वॉज नो अल्टीमेटम मेड, नहीं, ठीक है, ये बहुत सब्सटेंटिव पॉइंट्स नहीं है, सॉरी, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलते हैं कल की, और है ना, कोई और कॉपी भी देखेंगे। तो मैंने इनके एक दो आंसर्स नीचे देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो, अभी पता नहीं, क्योंकि ये मैंने फाइल 3-4 दिन पहले डाउनलोड कर रखी थी, मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं
10 तारीख को ही बना लूंगा, 3 दिन पहले। तो अभी पता नहीं, चलो देखते हैं। नंबर बहुत अच्छे आए इनके, नंबर बहुत सही है कि पॉजिटिव्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट, फिर इन्होंने पॉजिटिव दिखा दिए। ठीक है, ये ऊपर आई थिंक हेडिंग्स बिल्कुल वैसे होनी चाहिए, एफर्ट टू फ्रेम अ फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो ये ठक 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 5 पॉइंट्स, फिर नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइज, ठक 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 ये उसमें लिख दो ड्रॉबैक्स, उसमें लिख दो अनईजी कॉम्प्रोमाइज, इट शोड दैट इंडिया वर एन ठीक है केपेबल ऑफ ओके ओके गुड गवर्नेंस, ब्रिटिश गाइडेंस, इक्वालिटी, एडल्ट फ्रेंचाइजी, वही फर्दर ड्राफ्ट एक्सेट्रा, राइट। इसमें मतलब हेडिंग्स की गेम इसमें चेंज की जा सकती है। व्हाइल नेहरू रिपोर्ट डिड नॉट सीक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देखो एक और बात देखो, सफाई देख लो आंसर की। ये मैं बार बार कहता हूँ, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक मेरी तरह, ठीक है, तो सुधार लो थोड़ा। नहीं, हैंडराइटिंग सुधरती है ये भी मान लो, ऐसा नहीं होता है कि हैंडराइटिंग सुधरती नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उससे भी बढ़िया प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए वर्ड्स में, ये मैटर करता है। मेरी अपनी बहुत ही खराब है, फर्स्ट ईयर की दिखाऊंगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट की दिखाऊंगा मेंस की, तो आप मतलब पागल हो जाएंगे यार, ये लिखा क्या चीज़ लिखी है, मुझे अब खुद समझ नहीं आता है अब वो 3 साल बाद, राइट। हालांकि मैंने फिर खुद पर्सनली कोशिश करी एंड इम्प्रूव होता भी है, इम्प्रूव होता भी है। देखो मेरे वर्ड्स अब थोड़े समझ आ रहे हैं, है ना, अभी ठीक ठाक आ रहे हैं, पहले ये आपको समझ नहीं आता मैं इम्प्रूव कुछ ऐसे लिखता, समझ रहे हो, वो डॉक्टर वाली राइटिंग उधर की थी। तो इट मैटर्स देन, इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर्स एज इन्फ्लुएंस्ड एज इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देम। तो इसमें दो पार्ट अगेन है, पहले बताना है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स ऑन इंडियन कल्चर, देन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन फॉरेन कल्चर, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आप इसमें जो है ठीक है, इंट्रो कोई एक सिंपल सा आप इंट्रो इसमें लिख सकते थे कि ठीक है कल्चर पे, या फिर किसी भी, है ना, जैसे इन्होंने यहाँ इंट्रो दिया कि ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रेड वॉर्स एंड ये क्या है टूरिस्ट मिशनरीज एटसेट्रा कल्चर्स ऑफन गॉट मिक्स्ड, वेरी गुड। तो इन्होंने सीधा रीजन ही बता दिया कि कल्चर ये जो है मिक्स क्यों हुआ है, मिक्स्ड कल्चर की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो ठीक है, पहला कि भैया इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स ऑन इंडियन कल्चर, सोचो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंसेस रही। जैसे देख लो, हमने देखा है कि जो ग्रीक और ठीक है जो स्पेशली ग्रीक गॉड्स हैं या फिर जो ग्रीक माइथोलॉजी है, इनका इफेक्ट इंडिया में स्पेशली जो आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है इस पे पड़ा सबसे पहले तो ये, राइट। दूसरी बात लैंग्वेज पे देख लो, लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है, लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है वेस्टर्न जो आपका ठीक है लैंग्वेजेज है ना, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का और संस्कृत लैंग्वेज का, हालांकि ये इसमें सेकंड पार्ट में आएगा कि संस्कृत लैंग्वेज से आपकी जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ये सेकंड पार्ट में इसमें आएगा। अब फॉरेन लैंग्वेजेज ने भी इंडिया में अपना इफेक्ट डाला हुआ है, जैसे आप इसी को ही ले लो, इंग्लिश को ले लो, अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में एक तरीके से लिंगुआ फ्रैंका बनती जा रही है धीमे धीमे से, सो इट इज़ ऑल्सो अनदर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर। ठीक है, कुजीन पे क्या फ़र्क पड़ा हुआ है, जैसे ईरानियन कुजीन से जो ओ यार कुजीन ठीक है, जो ईरानियन कुजीन्स थे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके जो जो मुगल कुजीन था उसमें था, ठीक है, मुगल के जितने भी आपके स्पेशली ये कोरमे कोरमे वगैरह जो भी उस तरीके से शाही कोरमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आपके ईरान से है, ठीक है, पाए गए हैं। बाकी फाइन आर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों में, जैसे पेपियर मैश आपने सुना होगा, पे पियर मैश, ठीक है, मैश ठीक है, तो ये एक तरीके से और कुछ नहीं था, पेपर से बनी हुई ये एक आर्ट है, आपके जे एंड के में आई थिंक ये चलती है, इसको जीआई टैग वगैरह कुछ मिला हुआ उधर, राइट। सो ये सब चीज़ें ये फॉरेन के इन्फ्लुएंस है, ऐसे इंडिया के इन्फ्लुएंस तो आप कुछ भी बता दो यार, संस्कृत लैंग्वेज का हर लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ा हुआ है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का आप जो है इन्फ्लुएंस बता दो, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी जो जो स्क्वायर शेप्ड जो आपकी ठीक है जो इसकी सील्स है वो ईरान से मिलती है, जो राउंड शेप्ड जो सील्स है वो आपके उधर इराक से मिलती है, मेसोपोटामिया से मिलती है, तो दैट मीन्स कि इनके इनकी जो उस टाइम की आर्ट थी जो बीड्स वगैरह थे इनका भी उसमें इफेक्ट रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है। देन आज के इन्फ्लुएंस आप लिख सकते हैं योगा वगैरह हो गया, ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है, योग हो गया, योगा नहीं होता यार, योग होता है, ऑनेस्टली योग बोलना शुरू कीजिए,
योग बोलिए, राइट, योग का एक इफेक्ट है। देन आप इसमें ठीक है बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जैसे आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद से आपका आयुष सिस्टम, ठीक है, ये डेवलप हुआ है, पूरा आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि आज यूनिवर्सली रिकग्नाइज किया जा रहा है। भाई सबसे बढ़िया कल्चर तो नहीं, लेकिन एक तरीके से जो साइंटिफिक, आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं कि इंडिया साइंटिफिक कल्चर, राइट, साइंटिफिक कल्चर हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द साइंस ऑफ द वर्ल्ड, जीरो की डिस्कवरी, ऐसे कुछ दिया जा सकता है। पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन, वही इनकी भी अप्रोच है। ये क्या है, वेस्टर्नाइजेशन ड्यू टू यूरोपियन पावर, इंग्लिश बिकेम वही डोमिनेंट लैंग्वेज, मैनी बिल्डिंग्स है, मुगल इस्लामिक, हाँ ये जो है ये तो है, ईरानियन आप इसमें डाल सकते हैं, आर्ट एंड पेंटिंग्स वही है, और बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर दी यार, स्पेशली आर्ट में भी आप देख सकते हैं, अरबास्क जो टेक्निक है, अरबास्क टेक्निक के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये टेक्निक और कहाँ से आई, पित्रा दूरा जो है ये ईरान से इन्फ्लुएंस्ड है, समझ रहे हो, म्यूजिक गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुस्तानी स्टाइल, अरे भाई गॉट इन्फ्लुएंस्ड ईजी हिंदुस्तानी स्टाइल डालो इसमें, ईरानी डालो, वे ऑफ लिविंग ऑल्सो है ना, ईटिंग विद द स्पून नॉट विद द हैंड, भाई सिंपल से एग्जाम्पल है, लेकिन देखो ये आप इलॉजिकल नहीं बोलेंगे, सब सब यूजफुल है। देन वही इन्होंने देखो यहाँ योग इन्होंने भी डाला, ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्होंने भी डाला, बुधा इन्होंने ये बुद्धिज्म इन्होंने डाला हुआ है, आप इसमें लिख सकते हैं श्रीलंका के बारे में बुद्धिज्म, आप इसमें लिख सकते हैं ललित विस्तार वगैरह लिख सकते हैं कि वो बुक्स वहाँ पे लिखी गई, हिंदू टेम्पल्स, ठीक है, अंकोर वाट वगैरह लिख दिया, डाल दिया, डांस फॉर्म्स जो है वही चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस किया। देखो एक बात हमें यहाँ से पता चलती है, भाई इतने अच्छे नंबर, सच में बताऊँ मैं, इनके अच्छे नंबर है, आई थिंक 800 के करीब इनके नंबर है, या तो फिर 778 समथिंग, भाई मतलब बहुत अच्छे नंबर हैं इनके, मेंस में बहुत ही अच्छे नंबर हैं, नहीं ये मैंने 778 तो कम बता दिया, 800 कुछ होंगे, 876 के आसपास तो होंगे, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। सो दैट व्हाट डज मैटर, मेन थिंग जो है वो ये है, जो इनकी प्रेजेंटेशन है कि 10 इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवरन, ये क्या है, फॉरेन कल्चर जस्ट एज इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इट वॉज ए विन विन सिचुएशन, सीधे लिख सकते थे 10 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल लिंकेजेस वॉज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन कल्चर्स, है ना, इसे पूरी लाइन को ऐसे देख सकते हैं। बट भाई इनके देखो ना ये प्रेजेंटेशन बढ़िया है, मतलब इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, वो नहीं है कि कहीं से उल जुलूल लिख लिया हो कुछ, लगता है कि किसी ने सोच समझ के लिखा हुआ है, तो ये इंप्रेशन भी मैटर करता है, सही में बताऊं इंप्रेशन मैटर करता है। और वो जो देखा होगा ना बड़े बड़े डिक्टेटर जो है, हाउ डू दे मैनेज दैट पब्लिक साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी मैनेज करने के लिए, उस चीज़ के लिए वो स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी या फिर खुद को ग्रूम करने की टीम रखते हैं, ये पुतिन ऐसे ही पुतिन नहीं है, पता नहीं डेली कितना इंजेक्शन लेता होगा ताकि लगे कि इसकी स्किन भी यूथफुल है, भाई दिखना भी सही चाहिए, समझ रहे हो ना, सोचो पुतिन अगर वो बैसाखी लेके चल रहा हो, वो मजा नहीं आएगा ना, फिर मजा नहीं आएगा लोगों को, रिप्लेस हो जाएगा। सो चीज़ें दिखने पे भी डिपेंड करती है, सब साइकोलॉजी की गेम है, एवरीथिंग मेंस तो खास तौर पे जिंदगी में जो जो भी मेन है, चाहे यूपीएससी का मेन हो चाहे जिंदगी का मेन हो, हमें ये मालूम नहीं है या फिर हमें बताया नहीं गया है, वो सब मेन इन बातों पे डिपेंड करता है कि वो दिखता कैसे है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।